हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक और कंपाउंड जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। तो हम जानेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसके और क्या नाम है, इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं। सोडियम क्लोराइड ये मैं आपको करा चुका हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड आज हो जाएगा, रिमेनिंग हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये ऐसे कंपाउंड हैं जो डेली लाइफ में हमारे में यूज होते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर देखोगे तो ये कुछ वाइट वाइट सा दिखाई देता है, आप देख सकते हो वाइट सब्सटेंस है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला NaOH है, और इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, फॉर्मेशन की अगर बात करें तो बनता कैसे है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब एक नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, जब उसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो वहाँ पर एक रिएक्शन आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक चीज़ दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन होगा वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की वजह से। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH बनता कैसे, सोडियम क्लोराइड का क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन किया जाता है, तब जाके प्रिपेयर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन दिस प्रोसेस क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड, और जो क्लोरीन गैस होती है वो एनोड पर बनती है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कैथोड पर बनती है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में हमें मिलता है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर एक कंटेनर लिया जिसमें वाटर भर दिया और साथ के साथ में NaCl मतलब नमक भर दिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ नहीं, अब NaCl आयोनाइज होगा तो Na+Cl-, और वाटर भी आयनाइज होगा तो OH- और CH+। ठीक है, तो ये H+ तो किधर चली जाएगी, कैथोड पर, और Cl किधर चली जाएगी, एनोड पर। तो एनोड पर तो आ जाती है क्लोरीन गैस, और कैथोड पर आ जाती है हाइड्रोजन गैस। तो दो गैस बनेगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो क्लोरीन गैस कहाँ पर आती है, एनोड। पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है उसको एनोड बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल जो होता है उसको कैथोड बोलते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, ये दो क्या हैं, इलेक्ट्रोड हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव है। इसको यहाँ पर मतलब दो रॉड्स को यहाँ पर डाल दिया जाता है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है तो डीकम्पोजिशन होता है। किसका डीकम्पोजिशन होता है, सोडियम क्लोराइड का डीकम्पोजिशन होगा। क्लोराइड डीकम्पोज होके Na+Cl- में डिवाइड हो जाएगा, वाटर डीकम्पोज होकर OH- H+ में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। मगर होगा कब, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से कोई सब्सटेंस या कंपाउंड ब्रेक होता है तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन होने के बाद क्लोरीन गैस कहाँ पर डिपोजिट होगी, एनोड पर। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर होगी, कैथोड पर। पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड, नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ये रिएक्शन भी आप लिख देना कि कैसे NaOH बनाएं। ठीक है ना, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक तो ये वाइट होता है और स्मूथ सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 591 केल्विन होता है। पीएच वैल्यू इसकी 14 होती है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और एक्वस सॉल्यूशन में ये आयोनाइज फॉर्म में रहता है। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो ये Na+OH- में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है। यूजेज की बात करें तो उसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, साबुन, सर्फ, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। मेटलर्जी और बॉक्साइड में बनाने में इसका यूज होता है। फैट एंड ऑयल बनाने में यूज होता है। पेस्टिसाइड्स जो कीड़े मकोड़े मारने की दवाई होती है उनको बनाने में यूज होता है। पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग, आपने जो वायर देखे होंगे ना, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक सी चढ़ी रहती है घरों में केबल, उसको पीवीसी बोलते हैं। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है। और पेट्रोलियम रिफाइलिंग में भी इसका यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंपाउंड के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।